हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर 7 का अभ्यास प्रश्न का अगला प्रश्न। आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, ब्रोमो एस्टिकम्ल की आयनन की मात्रा 0.132 है। ठीक है, ब्रोमो एस्टिकम्ल है आपका CH2BrCOOH। इसकी आयनन की मात्रा जो है, आयनन की मात्रा दिया हुआ है अल्फा का मान 0.132 है। 0.1 अम्ल की, ठीक है, अम्ल की मोलर सांद्रता दिया हुआ है आपका 0.1 अम्ल की pH तथा pKa का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ब्रोमो एस्टिक अम्ल का मोलर सांद्रता है 0.1। इस अम्ल का आपको pH निकालना है और pKa का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यह आपका ब्रोमो एस्टिक अम्ल है CH2BrCOOH। यह टूटेगा आपका CH2BrCOO- और एच आयन में। प्रारंभिक सांद्रता प्रश्न में दिया हुआ है 0.1 मोलर, या 0.0 हो जाएंगे प्रारंभिक स्थिति में। साम्य सांद्रता जो होगी वह हो जाएगी आपकी, वियोजन की मात्रा दिया हुआ है अल्फा 0.132, यह वियोजन की मात्रा दिया है। तो वियोजन की मात्रा के अनुसार जो सांद्रता हो जाएगी वह आपका 0.1 × 0.132 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 0.0132 मोलर, इसका हो जाएगा। और H प्लस का हो जाएगा 0.1 × 0.132, इसका भी हो जाएगा आपका 0.0132 मोलर। ठीक है, इसका आपका मोलर सांद्रता कितना हो जाएगा साम्य में? तो पहले आपका 0.1 था, ठीक है, तो 0.1 तो माइनस करेंगे आप, 1 − 0.132, तो ये हो जाएगा आपका 0.0868 मोलर, 0.0868 मोलर, यह साम्य सांद्रता हो जाएगी आपका। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। के ए बराबर हो जाएगा आपका CH2BrCOOH- की सांद्रता, एच आयन की सांद्रता अपान CH2BrCOOH की सांद्रता। तो यह हो जाएगा KA = CH3BrCO- की मोलर सांद्रता, एच आयन की मोलर सांद्रता अपान CH2BrCOOH की मोलर सांद्रता। मान रख दें तो CH2BrCO- की मोलर सांद्रता 0.0132, एच आयन की सांद्रता 0.0132, और आपका CH2BrCOOH की मोलर सांद्रता जो है साम्य पर वह 0.0868 है, 0.0868 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो के का मान आएगा 2.01 × 10³। ठीक है, तो आयन स्थिरांक के का मान कितना आ गया, 2.01 × 10³ हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आयन स्थिरांक आपका 2.01 × 10³ हो गया। अब पी के ए बराबर क्या हुआ, पी के ए बराबर होता है -log KA, तो -log10 के का मान 2.01 × 10³ हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पी के ए का मान निकलेगा 2.70। पी के ए का मान कितना होगा, 2.70 हो जाएगा। ठीक, अब एच आयन बराबर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्रश्न में 0.0132 एच, ठीक है, जो आपकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता थी वह निकला था आपका 0.0132। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपकी 0.0132, इसको आप लिख सकते हैं 1.32 × 10² मोलर। pH बराबर क्या होगा, pH बराबर −log10 H आयन का मान 1.32 × 10² ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.88 आ जाएगा pH का मान। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है log m × n से सॉल्व करेंगे तो log m + log n हो जाएगा, तो माइनस बाहर कर लें, log 10 1.32 प्लस ये हो जाएगा आपका log 10 10⁻²। अब यह log x^n से n log x सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका log 1.32 प्लस, और यह हो जाएगा आपका −2log10। ठीक है, तो −2log10 का मान 1 हो गया, यह जो है आपका माइनस अंदर लाएंगे तो −0.1257 हो जाएगा, और यह −− प्लस हो जाएगा, दो से यह माइनस करेंगे तो 1.879 होगा, जो लगभग 1.88 के बराबर है। ठीक है,
तो इसको निकटतम मान में आपका 1.88 हो जाएगा। तो पीएच जो होगा आपका 1.88 होगा, पीकेए का मान जो होगा आपका 2.7 होगा पीकेए का मान, और आयन स्थिरांक केए का मान जो आएगा वह 2.0×10³ आएगा। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 50 ब्रोमोएस्टिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका 0.005 mg कोडीन। ठीक है, यहाँ पर आपका 0.005 mg कोडीन है, C18H21NO2NO3। विलयन की पीएच का मान दिया हुआ है 9.95। ठीक है, 0.005 mg कोडीन विलयन है जिसका पीएच है 9.95। इसका आयनन स्थिरांक निकालना है। ठीक है, आयनन स्थिरांक आपको निकालना है, तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे आयनन स्थिरांक। संयुग्मी अम्ल का आयनन स्थिरांक याद कीजिए, आयनन स्थिरांक कोडीन जो है एक क्षारक है। कोडीन जो होता है वो क्या है, एक क्षारक है, इसलिए यह विलयन निम्न प्रकार टूटेगा, कोडीन प्लस H2O टूटेगा, कोडीन H+ + OH-। ठीक है, कोडीन जो है आपका एक क्षारक है, इसलिए विलयन का जो विघटन होगा वो इस रूप में होगा, कोडीन प्लस H2O उत्क्रमणी कोडीन H+ + OH-। पीएच का मान 9.95 दिया हुआ है, तो पीओएच कितना हो जाएगा, तो पीओएच हो जाएगा 14-। ठीक है, पीएच का मान 9.95, तो पीओएच हो जाएगा 4.05। तो पीओएच का मान हो गया आपका 4.05। तो लाग ओएच आयन बराबर क्या हो जाएगा, तो लाग ओएच आयन बराबर इसको आप सॉल्व करेंगे -4.05। ठीक है, अब इसका पाँच इसका हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा एंटीलाग 5.95 के, तो ओएच आयन एंटीलाग 5.95, तो इसका वैल्यू आएगी आपकी 8.913×10⁵। ठीक है, तो ओएच आयन की सांता जो होगी वो होगी 8.913×10⁵। ठीक है, कोडीन H+ की मोलर सांता और ओएच आयन की मोलर सांता जो बराबर होगी 8.913×10⁵ की। कोडीन की मोलर सांता प्रश्न में जो दिया हुआ है वह है 0.005 mg। ठीक है, तो KB बराबर क्या हो जाएगा, तो KB बराबर हो जाएगा कोडीन एच आयन की मोलर सांता ओएच आयन की मोलर सांता बटे कोडीन की मोलर सांता। ठीक है, अब जो है कोडीन एच आयन की मोलर सांता ओएच आयन की मोलर सांता के बराबर हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं ओएच आयन की मोलर सांता का स्क्वायर बटे कोडीन की मोलर सांता। मान रख दें ओएच आयन की मोलर सांता 8.913×10⁵ है, तो 8.913×10⁵ का स्क्वायर अब बटे कोडीन की मोलर सांता जो प्रश्न में दिया हुआ है 0.005, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा केबी का मान 1.588×10⁶। ठीक है, तो यह हो गया आपका आयनन स्थिरांक केबी का मान 1.588×10⁶, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से अगर आपको पीकेबी पूछा जाए, तो पीकेबी बराबर हो जाएगा आपका -log KB, तो -log KB केबी का मान 5.88×10⁶, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5.8 आ जाएगा। ठीक है, तो पीकेबी का मान 5.8 आ जाएगा और बेस का आयन स्थिरांक जो होगा वह 1.588×10⁶ हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कोडीन जो होगा आपका टूटेगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, पीएच का मान दिया हुआ है 9.95, तो पीओएच से आप पीओएच निकालेंगे, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है, तो पीओएच बराबर 14 - पीओएच पीएच, तो पीएच का मान रख के पीओएच निकल गया, तो लाग ओएच आयन से आप ओएच आयन की सांता निकालेंगे एंटी लाग से 5.95, एंटी लाग का यह हो जाएगा आपका 8.913×10⁵। या कोडीन आयन की मोलर सांता कोडीन एच प्लस की मोलर सांता और हाइड्रोक्साइड की मोलर सांता के दोनों बराबर होंगे जो कि 8.913×10⁵ होंगे। तो कोडीन आयन की मोलर सांता जो दिया हुआ है प्रश्न में वह 10.005 mg है, तो अब आप समीकरण के अनुसार केवी लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे, कूट करके केवी का मान निकालेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है 0.001 mg एनिलीन विलयन। 0.001 mg एनिलीन विलयन का पीएच क्या है,
एनिलीन का आयन स्थिरांक 7.77 से ले सकते हैं, इसके संयुग्मी अम्ल का आयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पहले तो आपको पीएच निकालना है एनिलीन विलयन का, जिसकी मोलर सांद्रता है 0.001 mM। ठीक है, इसके लिए आप आयन स्थिरांक ले सकते हैं, टेबल में बना हुआ है, थियरी सेक्शन में आप देखेंगे बुक में 7.7 साड़ी में। उसके बाद आपको संयुग्मी अम्ल का आयन स्थिरांक भी ज्ञात करना है। तो एनिलीन C6H5NH2 सूत्र होता है इसका, यह टूटेगा C6H5NH3++ OH- में। के भी बराबर होगा, आयन स्थिरांक के भी बराबर हो जाएगा आपका C6H5NH3+ की मोलर सांद्रता इंटू OH आयन की मोलर सांद्रता अपान एनिलीन की मोलर सांद्रता, C6H5NH2 की मोलर सांद्रता। अब यहाँ पे जो C6H5NH3+ की मोलर सांद्रता और OH आयन की मोलर सांद्रता आपस में बराबर होंगी, तो इसको आप लिख सकते हैं OH- का स्क्वायर अपान C6H5NH2। के बी का मान साड़ी से हम देख सकते हैं आयन स्थिरांक जो एनिलीन का होगा वह होगा 4.27 × 10^10। 4.27 × 10^10 यह हमें टेबल से मिला। तो यहाँ से आपका OH- की मोलर सांद्रता क्या होगी, त्रिया गुणा कर देंगे के बी इंटू एनिलीन की मोलर सांद्रता C6H5NH2। तो OH आयन की मोलर सांद्रता हो जाएगी अंडर रूट के बी इंटू C6H5NH2 की मोलर सांद्रता। के बी का मान साड़ी से 4.27 × 10^10 हो गया, और एनिलीन की मोलर सांद्रता प्रश्न में दिया हुआ है 1 × 10^3 मोलर। ठीक है, अंडर रूट में वैल्यू निकालना है, तो हाइड्रोक्साइड की मोलर सांद्रता जो निकलेगी वह हो जाएगी आपकी 6.534 × 10^7 मोलर। ठीक है, अंडर रूट निकालने के बाद यह वैल्यू आएगी आपकी 6.534 × 10^7 मोलर, यह आपकी हाइड्रोक्साइड की मोलर सांद्रता हो गई। अब पी ओ एच बराबर निकालेंगे, पी ओ एच बराबर माइनस लाग ओ एच आयन, तो पी ओ एच बराबर माइनस लाग ओ एच आयन का मान 6.53 × 10^7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7 − log 6.53। तो सॉल्व करने पे पी ओ एच का मान निकलेगा 6.185, पी ओ एच का मान 6.185 हो जाएगा। तो पी एच बराबर होगा 14 − pOH, पी एच बराबर 14 − pOH, पी ओ एच का मान आपका 6.185, 14 − करेंगे तो पी एच बराबर हो जाएगा आपका 7.815। पी एच हो गया आपका 7.815, एनिलीन का पी एच हो गया आपका पहला आंसर। अब जो है आपका निकालना है इसके संयुग्मी, क्या निकालना है आप देखें, संयुग्मी अम्ल का आयन स्थिरांक भी निकालना है। तो संयुग्मी अम्ल का आयन स्थिरांक के लिए आप समीकरण लिखेंगे, तो यह आपका एनिलीन C6H5NH2+H2O टूटेगा आपका C6H5NH3+ OH- में। प्रारंभिक सांता जो है एनिलीन का दिया हुआ है 0.001 mM। ठीक है, प्रारंभिक सांता आपका C6H5NH3+ का 0 होगा, OH- का 0 हो जाएगा। साम्य पर मान लीजिए अल्फा वियोजित होता है, अल्फा वियोजित होता है साम्य पर, तो ये हो जाएगा साम्य पर आपका अल्फा 0.001 α और इसका हो जाएगा 0.001 α और इसका हो जाएगा आपका 0.001 ln 1 α। ठीक है, 1 − α, अल्फा क्या है, एनिलीन की विभाजन की मात्रा है, अल्फा जो है एनिलीन की विभाजन की मात्रा है। तो C6H5NH3+ का जो साम्य पर विभाजन होगा वह 0.001 α होगा, हाइड्रोक्साइड का जो विभाजन होगा वह 0.001 α होगा, एनिलीन का जो होगा 0.001 ln 1 α होगा। अब इस समीकरण का के बी बराबर क्या हो जाएगा, तो के बी बराबर 0.001 α इंटू 0.001 α अपान 0.001 ln 1 α। अब जो है अल्फा जो है अति अल्प होता है, वियोजन जो है वो बहुत कम हो रहा है, उस समय जो है 1 − α को आप 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो इसका जो आप करेंगे तो 0.001 α² और 1 − α को 1 के बराबर जब आप लिखेंगे तो यह हो जाएगा के बी बराबर 0.001 α², के बी बराबर 0.001 α² हो जाएगा आपका। ठीक है, के बी का मान आपको पता है 4.27 × 10^10 है, तो यह हो जाएगा आपका 0.001 α² बराबर के बी 4.27 × 10^10।
तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 4.27 गुणा 10^10 बटा 0.001 अंडर रूट पावर 1/2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.53 गुणा 10^4। तो बीजन स्थिरांक अल्फा का मान आपका हो जाएगा 6.53 गुणा 10^4। ठीक है, बीजन स्थिरांक हो गया आपका। अब जो है संयुग्मी अम्ल तथा क्षारक युग्म के लिए, संयुग्मी अम्ल तथा क्षारक युग्म के लिए पी के ए प्लस पी के बी बराबर 14 होता है सूत्र। पी के ए प्लस पी के बी बराबर 14, तो पी के ए बराबर हो जाएगा 14 माइनस पी के बी। तो 14 माइनस पी के बी का मान माइनस लाग के बी, ठीक है, माइनस लाग के बी यह सूत्र लगाएंगे तो माइनस लाग के बी पी के ए बराबर 14 माइनस पी के बी। तो 14 माइनस पी के बी मतलब माइनस लाग के बी, तो माइनस लाग के बी का मान 4.27 गुणा 10^10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 9.37। तो 14 माइनस 9.37 यह हो जाएगा आपका 4.63। तो पी के ए का मान हो जाएगा आपका 4.63। अतः संयुग्मी अम्ल का आयन स्थिरांक के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर एंटी लाग माइनस पी के बी। तो एंटी लाग माइनस पी के बी का मान 4.63, ठीक है, पी के बराबर माइनस लाग के सूत्र होता है। तो यह हो जाएगा आपका, एंटी लाग लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2.4 × 10^5, 2.4 × 10^5। तो संयुग्मी अम्ल का आयन स्थिरांक कितना होगा, तो 2.4 × 10^5 हो जाएगा आपका संयुग्मी अम्ल का आयनन स्थिरांक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप संयुग्मी अम्ल और क्षारक युग्म के लिए सूत्र आप लगाएंगे, पी के ए प्लस पी के बी बराबर 14। तो यहाँ से पी के ए बराबर हो जाएगा 14 माइनस पी के बी, पी के बी का बराबर हो जाएगा माइनस लाग के बी। तो के बी का मान रखेंगे, लाग लेंगे, यह आपका हो जाएगा पी के ए का मान 4.63। उसके बाद संयुग्मी अम्ल का आयन स्थिरांक के ए बराबर हो जाएगा एंटी लाग माइनस पी के ए, ठीक है। तो एंटी लाग माइनस पी के ए का मान रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, एंटी लाग लेंगे तो आपका 2.4 × 10^5 हो जाएगा। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, यदि 0.05 m एसटी कम्ल, ठीक है, एसटी कम्ल की मोलर सांद्रता दिया हुआ है 0.05। यदि 0.05 m एसटी कम्ल के पी के ए का मान 4.74 है तो आयनन की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पी के ए का मान 4.74 दिया हुआ है, आपको आयनन की मात्रा के ए का मान निकालना है। ठीक, यदि इसे अ 0.01 m और ब 0.01 m HCl विलयन में डाला जाए तो वियोजन की मात्रा किस प्रकार प्रभावित होगी। ठीक है, तो आपको वियोजन की मात्रा निकालना है, कब, जब 0.01 m HCl विलयन में डाला जाता है, और फिर जो है जब 0.01 m HCl विलयन में डाला जाता है उस समय आपको वियोजन की मात्रा निकालनी है। दो कंडीशन में सबसे पहले आपको आयन की मात्रा निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यह आपका पी के ए, प्रश्न में पी के ए का जो मान दिया हुआ है वो है 4.74। यह प्रश्न में मान दिया हुआ है पी के ए का मान, तो पी के ए बराबर 4.74। आप जानते हैं सूत्र होता है, पी के ए बराबर होता है माइनस लाग टेन के ए, पी के ए बराबर माइनस लाग टेन के ए। यह पी के ए का मान बराबर हो जाएगा 4.74 के, तो माइनस लाग टेन के ए बराबर हो गया 4.74 के। तो के ए बराबर क्या हो जाएगा, तो एंटी लाग के ए बराबर हो जाएगा एंटी लाग माइनस 4.74 के। तो एंटी लाग आप लेंगे तो यह बराबर हो जाएगा माइनस 4.74, जो बराबर होगा आपका 5.26 के, 5.26 के। अब एंटी लाग आप लेंगे तो यह हो जाएगा 1.82 × 10^5, ठीक है। तो के का मान हो गया आपका 1.82 × 10^5, यह पहला आंसर हो गया आपका के का मान। अब जो है दुर्बल विद्युत अवघट के लिए आप सूत्र जानते हैं, अल्फा बराबर होता है अंडर रूट के ए बटा सी। दुर्बल विद्युत अवघट के लिए वियोजन स्थिरांक अल्फा बराबर, ठीक है, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर होता है अंडर रूट के ए बटा सी। के का मान आपका 1.82 × 10^5 है और सी
ठीक है, कमान 5×10^2, 5×10^2 है आपका यह मोलर सांता दिया हुआ है 0.05 मोलर, तो इसको आप लिख सकते हैं 5×10^2। ठीक है, तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर अंडर रूट के ए अपान सी, तो के ए का मान 1.82×10^5 हो गया और सी का मान 5×10^2 हो गया। यहाँ से वियोजन की मात्रा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.9208×10^2। तो वियोजन की मात्रा अल्फा का मान कितना आ गया, तो अल्फा का मान हो गया आपका 1.908×10^2। ठीक है, HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन की अधिक सांता के कारण समायन प्रभाव एसटी कम्ल का वियोजन घट जाएगा। ठीक है, अगर HCl उपस्थित है तो उस समय HCl भी एच आयन देगा और एसटी कम्ल जो एच आयन देने वाला है उसकी वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऐसा क्यों होगा, समायन प्रभाव के कारण होगा। ठीक है, कि जो एच आयन होंगे वो फिर एसीटेट आयन आपस में मिल जाएंगे एच आयन से और फिर एसटी कम्ल बन जाएगा। इस तरह से HCl की उपस्थिति में एच आयनों की अधिक सांता के कारण एसटी कम्ल की वियोजन की मात्रा घट जाएगी, जिसे समायन प्रभाव कहते हैं। अब पहला कंडीशन देखते हैं, 0.01 MSCl विलयन की उपस्थिति में वियोजन की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो पहले आप देख रहे हैं कि दुर्बल विद्युत अवघट के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का मान जो आया है वह 1.908×10^2 आया है। 0.01 MSCl की उपस्थिति में क्या होगा, वियोजन की मात्रा घटेगी, कितना घटेगी आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो 0.01 MSCl विलयन की प्रारंभिक उपस्थिति में माना एसटी कम्ल की वियोजन की मात्रा यक्स है। एसटी कम्ल की वियोजन की मात्रा हम मान लेते हैं यक्स है, तो CH3COOH उत्क्रमणी एसीटेट आयन H+ आयन CH3COO- + H+ आयन। प्रारंभिक सांता 0.05 साम्य सांता जो होगी 0.05 - यक्स एक्स और ये हो जाएगी आपका एक्स प्लस 0.01। ठीक है, ये आपका 0.01 MSCl दिया हुआ है विलयन, तो ये आप जो है 0.01 इसमें ऐड कर लेंगे एक्स में विलयन की एच प्लस सांता में, तो ये हो जाएगा आपका 0.05 - यक्स। इसकी विलयन की मात्रा कम है तो यह लगभग बराबर हो जाएगा 0.05 mK। यह हो जाएगा आपका एक्स मोलर और यह हो जाएगा आपका ऐड कर लेंगे तो 0.01 मोलर। ठीक है, 0.01 mH+ आयन 0.01 mHCl से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो 0.01 mH+ आयन जो हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, 0.01 mHCl से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, तो यह हो जा रहा है आपका 0.01 mH। अब के ए लिखेंगे, के ए बराबर क्या होगा, एसीटेट आयन इंटू हाइड्रोजन आयन अपान एसटी का आयन, यह वैल्यू रखेंगे उसमें, तो के ए बराबर हो जाएगा आपका, के ए बराबर एसीटेट आयन की सांता अपान हाइड्रोजन आयन की सांता अपान एसटी कम्ल की सांता। मान रखें के ए का मान 1.82×10^5 और एसीटेट आयन का यक्स और आपका यक्स प्लस 0.01 यह हाइड्रोजन आयन का हो गया अपान एसटी कम्ल का 0.05 - यक्स। ठीक है, यह होगा आपका 0.01 यक्स, यह हो गया आपका और यह जो है आपका 0.05 हो गया, 0.05 हो गया आपका। अब यक्स बराबर क्या होगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 1.82×10^5 इंटू 0.05/0.01 सॉल्व करेंगे तो यक्स हो जाएगा आपका 9.1×10^5। ठीक है, तो जो एसटी कम्ल के वियोजन की मात्रा यक्स का मान है वह है 9.1×10^5। वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो वियोजित मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर वियोजित मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा। वियोजित मात्रा कितना है, 9.1×10^5 है और प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 0.05 है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 1.82×10^3 1.82×10^3। तो यह आप देख रहे हैं कि वियोजन की मात्रा अल्फा का मान घट गया है, पहले जो था दुर्बल विद्युत अवघट के लिए जो निकला था वह 1.908×10^2 था, जो घट के 1.82×10^3 हो गया है।
पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में जब आप 0.1 mSCL बिलियन लेंगे तब क्या होगा, तो जब आप 0.1 mSCL बिलियन लेंगे तो मान लीजिए ST कम्ल के आयन की मात्रा वाई है, तो साम्य अवस्था पर क्या होगा, तो साम्य अवस्था पर ST कम्ल की मोलर सांद्रता जो होगी वह होगी 0.05 - y, जो लगभग बराबर है 0.05 m के। एसीटेट आयन की मोलर सांद्रता बराबर y है, हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता जो होगी 0.1 + y हो जाएगी, अर्थात 0.1 mK हो जाएगी। K बराबर होगा, तो K बराबर हो जाएगा y × 0.1/0.05, या यह y/0.05, ठीक है, तो K/0.1, ठीक है, ये हो गया। तो K आप देखें, इसको सॉल्व करें तो K बराबर हो जाएगा 1.82 × 10⁵ / 1 × 10⁴, ये हो जाएगा आपका 1.82 × 10⁴, 1.82 × 10⁴। बीजन की मात्रा या अल्फा निकल गया आपका 1.82 × 10⁴, ये बीजन की मात्रा अल्फा है आपका, बीजन की मात्रा अल्फा 1.82 × 10⁴, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपने सॉल्व करके बीजन की मात्रा निकाला जो कि 1.82 × 10⁴ आया, और बीजन की मात्रा अल्फा जो है 1.82 × 10⁴। तो 0.01 mSCL की उपस्थिति में बीजन की मात्रा घट के 1.908 × 10⁴ से घट के 1.82 × 10⁴ हो गई, और जब 0.1 mSCL लिया गया तब जो है बीजन की मात्रा और घट गई, 1.82 × 10⁴ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने जब सांता HCl का चेंज करेंगे तो बीजन की मात्रा और घट जाएगी, जो कि घट के 1.82 × 10⁴ हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका डाई मिथिल एमीन का आयन स्थिरांक 5.4 × 10⁴ है। डाई मिथिल एमीन का आयन स्थिरांक जो है 5.4 × 10⁴ है। इसके 0.02 m बिलियन का आयन की मात्रा की गणना कीजिए, ठीक है। तो डाई मिथिल एमीन का आयन स्थिरांक दिया हुआ है, इसके 0.02 mM के आयन स्थिरांक की गणना करना है आपको। यदि यह बिलियन NaOH के प्रति 0.1 m हो तो डाई मिथिल बिलियन का प्रतिशत आयनन क्या होगा, ठीक है। तो प्रतिशत आयनन भी इसमें निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको जो है अगले वीडियो में देखा जाएगा, 54 से लेकर आगे अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।